Hi guys, good to कैसे एक शॉर्ट पी लिया था है आज कल हम चैप्टर्स को वन शॉर्ट बोलते हैं ना शॉर्ट्स में हमने पीते हैं हमें इन को. तो आपके लिए जो शॉर्ट्स है तो आधे शॉर्ट हम इसकी ले चुके थे लेकिन आधी शॉट हम इसकी आज लेने वाले हैं और आज इस शॉट का टेस्ट भी होने वाला है कि आपको कितना समझ आया आप देखिए अच्छी क्लास की पहचान क्या होती है मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं द यूट्यूब एंड होल सोशल मीडिया इज फिल्ड विद ऑफ अमेजिंग बट सब सबके लिए नहीं बने हैं आपको जिससे समझ आता है पहला कंडीशन ये और आपके सवाल जिससे पढ़कर निकलते हैं सबसे अच्छा तरीका कभी भी किसी क्लास को जज करने का होता है कि मैंने अगर किसी से पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ा है तो मेरे 90% सवाल उस चैप्टर के पी उस चैप्टर के सॉल्व होने चाहिए दैट इज द ओनली वे हाउ यू जज योर योर टीचर योर क्लास वैसे सब अच्छे हैं लेकिन आपको किससे समझ आकर आपके सवाल कब सबसे ज्यादा निकलते हैं वो एक बेस्ट क्राइटेरिया होता है तो आई ऑलवेज ट्राई कि हम अपनी क्लास की लर्निंग हम अपने क्लास के नोट्स इस हिसाब से रखें यार आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएं चाहे वो पी वाई क्यू हो चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे वो एजर्शन रीजन हो इस तरीके की हमारी क्लासेस होती हैं चाहे वो क्लास यूट्यूब पे हो चाहे वो क्लास हमारे सबसे फेवरेट चल रहे इस समय ऑल स्टार बैच में हो जिसको नहीं पता है

एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट बट आपके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आया हुआ है जो बच्चे अभी भी इस क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा पढ़ाया जाएगा विद टेस्ट लाइव टेस्ट लाइव क्लासेस लाइव साथ मेंशन दाव... लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एंड टू एवरी डे एवरी डे बेटा क्लास हो रही है एवरी डे डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है एंड टाइम टू टाइम आपके बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट का प्लानर मैं ऑलरेडी सारे बच्चों को दिखा चुकी हूँ ये कोर्स अब आपको मिल रहा है फोर ट्रिपल नाइन में लेकिन वो सिर्फ रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर कोड आपको क्या लगाना है सीप्लाइव लगाना है जैसे ही इसका लिंक दिया हुआ है आपको एक कोर्स मिल जाएगा नाइन पे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी चाहते हैं तो आपको इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए आप किसी बच्चे से पूछिए कितनी अमेजिंग प्रेपरेशन आपकी हो रही है ठीक है जी यस तो अब बेटा एक बात मैंने नहीं बोली तो तुमने नहीं करी फटाफट से क्लास को क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए एंड बेटा जी क्लास में क्या कर लीजिए अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट फड़ से लाइक कर दो यार क्लास को कम ऑन फास्टली हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट से लाइक कर दो टाइम नहीं लगाना बेटा सादिया मेल करेंगे उसके बाद दो से तीन दिन का वेट करेंगे आपको रिप्लाई आ जाएगा ठीक है यहाँ आके मत लिखे दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म और वैसा तो है नहीं क्लास रोक के मैं आपको ढूंढूंगी वहां पर और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी दैट इज नॉट पॉसिबल ठीक है जी तो जो करेक्ट माध्यम आपको बताया गया है उसी को फॉलो करें एंड सही जगह पर सही बात किया करो कि सही जगह पर सही बात नहीं हो रही है ठीक है दिस इज अ क्लास क्लास में हम सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं दूसरी चीज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि यार मैं जो चीज पढ़ाऊंगी उसका मैं आपको प्रैक्टिस भी जरूर कराऊंगी और फ्री टेस्ट सीरीज भी दूंगी और वो मैं आपके साथ कर रही हूँ लेकिन अगर आपने देखिए आना बंद किया आपने अगर अपना इंटरेस्ट कम किया तो मैं उस टेस्ट सीरीज को बंद भी कर दूंगी हो सकता है ये आपका लास्ट टेस्ट सीरीज ही हो मुझे नहीं पता कि कौन सा टेस्ट है ये लेकिन आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है टेस्ट सीरीज संडे को होगी आज की प्रैक्टिस क्लास का लिंक ऑलरेडी यहाँ पर पिन कर दिया है सबको दिख रही है दिस इज द क्लास विच इज कॉल्ड एज ए स्पेशल क्लास क्या बोलते हैं हम इसको स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास एक स्पेशल है अपने आप में क्योंकि ये फ्री क्लास है प्रैक्टिस के लिए जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं पोल बेस्ड फॉर्मेट में लीडर बोर्ड के साथ बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आपको किसी एप्लीकेशन का लेना है ना तो वो यही एप्लीकेशन है चाहे वो प्लस क्लास हो चाहे वो स्पेशल क्लास हो सबसे स्मूथ सबसे सीमलेस एंड वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस आपकी यहाँ पर होती हैं ठीक है जी तो इसको एनरोल कर लो कोई डाउट भी होता है ना तो डाउट भी आप स्पेशल क्लास में आगे पूछ सकते हैं यूट्यूब इज अ वन वे प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रही हूँ लेकिन मैं आप सबके कॉमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ इस सीरी को बेटा पता नहीं क्या रहता है कह रहा है इट क्या सर्च कर रहे हैं ये नहीं पता है, किस पे ऑन इट है बट एनी वे ऑल आई वॉज से अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू कम इन द स्पेशल क्लास आपको बेटा जी प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय डू कम इन द स्पेशल क्लास ठीक है जी यस yes? हां जी सब कर सकते हैं श्रेया पटेल ओनली ओनली क्या होता है सबको देनी है टेस्ट सीरीज आप चाहे कहीं भी पढ़ते हो प्लस में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं यूट्यूब पर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वेर एवर यू आर यू हैव टू अपेयर इन दैट टेस्ट सीरीज ठीक है यू हैव टू अपेयर इन दैट टेस्ट सीरीज चलो आ जाओ आ गए सब बच्चे त्रिष्टि आप भी वही बात कर रहे हैं सादिया वाली कोई अंतर नहीं है आप में और सादिया में हाँ जी तो हम कर क्या रहे थे कल की क्लास एक बार फटाफट से रियलाइज कर लें गलत जगह पे गलत रखी हुई बात कभी भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे सकती ये लाइफ में आपको हर जगह अप्लाई करना चाहिए जहां पर जिस चीज की वैल्यू है वही बात किया करो अभी आपके की वैल्यू यहाँ नहीं बनेगी कभी भी क्यों क्योंकि पर आप पे वो फोकस नहीं आ सकता जो स्पेशल क्लास या फिर प्लस क्लास में आएगा ठीक है जी तो ये वाली चीजें आप वहां पूछा करें यहाँ पर समझे एब्सॉर्ब करें इससे रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता है तो वो पूछे ठीक है जी चलो तो कल हमने बेसिकली डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है

अब ये होस्ट क्या कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कहलाएगा अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है क्या कोई बच्चा बता सकता है कि क्या कोई प्रोसेस आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही पढ़ा है इज देर एनी प्रोसेस विच इज हंड्रेड परसेंट फूल प्रूफ कोई मिस्टेक का एरर ही नहीं है कोई चांस ही नहीं एरर होने को, कोई, कोई चांस ही नहीं मिस्टेक होने का ऐसा बेटा कोई प्रोसेस नहीं होती जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं

पहला केस ये वाला है दिस इज केस नंबर वन केस नंबर वन ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड भी है इसके अंदर चला भी गया और रिकॉम्बिनेंट वाला भी गया ट्रांसफॉर्म्ड है एज एज वेल क्या है रिकॉम्बिनेंट है एज एज वेल बेटा जी क्या है है रिकॉम्बिनेंट ठीक है ट्रांसफॉर्म्ड है और रिकॉम्बिनेंट है अब इस वाले को देखो इसमें चला तो गया चला गया यानी कि ये क्या है ट्रांसफॉर्म्ड है ट्रांसफॉर्म्ड है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है दूसरे वाला गया Non है. फिर ऐसे भी बनेंगे ये भी बनेंगे ये भी बनेंगे क्योंकि कोई भी प्रोसेस की एफिशियंसी उसमें एरर के चांसेस थोड़े थोड़े -थोड़ होते हैं एफिशियंसी किसी की भी हंड्रेड परसेंट नहीं होती है तो क्या किया जाए क्या किया जाए सिलेक्शन करेंगे क्योंकि मुझे इससे काम नहीं है मुझे यह भी नहीं चाहिए मुझे जीन क्लोनिंग के लिए मुझे टेक्नोलॉजी के लिए यही वाला चाहिए है ना तो अब हम सीखने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर यू रेडी टू डू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यस मेरे बच्चों फटाफट से बताएं क्या आप सिलेक्शन के प्रोसेस को सीखने के लिए तैयार हैं yes, यस बता दो फटाफट से ये समझ आया कि हम करने क्या वाले हैं हम बेटा जी सिलेक्शन करने वाले हैं किसका किससे सिलेक्शन करने वाले हैं किसका किससे हम लोग सिलेक्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट होस्ट को फ्रॉम फ्रॉम नॉन नॉन अपन को वो सब नहीं चाहिए हमें क्या करना है सिलेक्शन अब मैंने आपको कल बताया था सिलेक्शन के लिए जो भी जीन होता है वो किसके अंदर होता है होस्ट के अंदर होता है वेक्टर के अंदर होता है बताओ सिलेक्शन के लिए जो भी जीन होता है वो किसके अंदर होता है होस्ट के अंदर होता है या फिर वेक्टर के अंदर होना चाहिए किसके पास होना चाहिए मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है फटाफट से अटेंडेंस लगाओ सेशन को लाइक करो क्या कह रहे हो वॉइस प्रॉब्लम इज देर आवाज आ रही है मेरी ठीक से एक मिनट बताना आवाज आ रही है यस yes. आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यस yes, मेरे बच्चों हाँ जी बहुत बढ़िया जो जो बच्चे होस्ट का आंसर दे रहे हैं ना खड़े हो जाए खड़े हो जाए आंसर गलत है कल सिखाया था वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए होस्ट के पास नहीं लिखा था कल क्या लिखा था ये इतने बड़े बड़े अक्षरों में कि वेक्टर के पास ये कौन है वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए होस्ट के पास थोड़ा होगा यार मार्कर मार्कर तो किसके पास होगा वेक्टर के पास तो वेक्टर के पास वो यूनिट होना चाहिए जिससे हम लोग सिलेक्शन कर पाए तो आंसर आपका हो गया है कलर इससे ये प्रतीत होता है कि आपने घर जाकर एक अक्षर नहीं पढ़ा आपने घर जाकर सिर्फ रिलैक्स किया आपने घर जाकर एक बारी भी किताब खोलने का कष्ट नहीं लिया है बेटा जो अभी कष्ट नहीं लेगा उसको बाद में कष्ट जरूर होगा ये चीज याद रखना आज का लिया हुआ कष्ट आपको कल के कष्टों से बचा सकता है आज अगर अपने, तपा अपने आप को अब टाइम ही नहीं बचा अब तीन महीने बाद क्या नीट क्या कुछ बस फिर जो हो गया हो गया फिर यही सेशन देखना नीट के अलावा क्या करें नीट के अलावा कौन सा फॉर्म भरे बहुत चलता है सेशन जाके देखो वो वाला फॉर्म भरो क्योंकि बेटा इस एटीट्यूड से आपकी इनकंसिस्टेंसी से चाहे वो क्लास हो चाहे आपकी रिविजन हो चाहे आपके टेस्ट टेकिंग एबिलिटीज हो ये सब इनकंसिस्टेंसी दिखाता है और अगर इनकंसिस्टेंसी है तो आप कभी भी कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते कभी भी नहीं कर सकते चाहे कोई पेपर की तैयारी कर लो चाहे कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिए इफ यू आर इनकंसिस्टेंट इफ यू जस्ट कम फॉर वन डे एंड इफ यू बिलीव की कोई बात नहीं चलता है ये सेशन तो रिकॉर्डेड रहेगा ही तो बेटा जी फिर चलेगा ही सिर्फ सिर्फ फिर चीजें क्या होंगी चलेंगी यस चलिए एनी सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन मैंने आपको बताया है कि मुझे तीन चीजों का करना है पहले मैंने आपको तीन होस्ट बताए तीन केस 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 हो सकते हैं एंड केस थ्री एंड केस थ्री केस वन कैसा केस है कि भाई इसके अंदर वेक्टर तो गया लेकिन वेक्टर के साथ मेरा डिजायर्ड डीएनए भी चला गया मुझे यही चाहिए मुझे यही वाले होस्ट चाहिए तो ये होस्ट कैसे जैसे कि मैंने आपको बताया ये होस्ट मेरा ट्रांसफॉर्म्ड भी है और क्या है रिकॉम्बिनेंट भी है क्या है रिकॉम्बिनेंट भी है दूसरा दूसरा होस्ट होस्ट क्या क्या है 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 कि इसके अंदर मेरा वेक्टर 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 चला 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 गया गया लेकिन नॉन गलत ठीक है? तो ये वाला मेरा ट्रांसफॉर्म्ड तो है क्योंकि इसके अंदर एंट्री तो हो गई लेकिन ये क्या है नॉन रिकॉम्बिनेंट है एनआर माने नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसको नहीं पता वो प्लीज फुल फॉर्म लिखें तीसरी केस क्या है तीसरे केस में कुछ गया ही नहीं यानी कि दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कुछ गया ही नहीं और ऑब्वियसली नॉन रिकॉम्बिनेंट तो होगा ही नॉन रिकॉम्बिनेंट तो होगा ही तो मुझे इन तीनों में से इसको सिलेक्ट करना है मैं चाहती हूँ करूं और इसको ना सिलेक्ट करूँ इसके लिए बेटा जी हमने बनाया सबसे पहला प्लाज्मेट बताने वाली हूँ प्लाज्मेट बी आर थ्री ट्वेंटी टू प्लाज्मेट बेटा जी लैब में बनाए जाते हैं ये प्लाज्मेट आपको बने बनाए प्रोकैरियोट से नहीं मिलते बने बनाए आपको सिर्फ एंजाइम मिलते हैं ये किसी ना किसी लैब में बना हाँ जी ये लैब इसकी डिस्कवरी हुई है जिस नंबर पे हमने इसको उस लैब में बनाया था बॉलीवुड एंड रॉड्रिग्यूज ने इसको बनाया था अब ये प्लाज्मिड थ्री ट्वेंटी टू दिखाई कैसा देता है ये रहा बेटा जी प्लाज्मिड 322 लेट मी लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पुट इट ओ ओ ओवर देर तो मैंने इसका लिया स्क्रीन शॉट ये देखिए एंड देख रहा इसको मैं इस पेज पर पे ले आती हूँ रुकी जस्ट ब्रिंग यस yes, आ गया तो हमने कौन सा प्लाज्मिड यूज किया प्लाज्मिड बी आर थ्री ट्वेंटी टू दिख रहा है सबको प्लाज्मिड बी आर थ्री ट्वेंटी टू एनसीआरटी ने दिया है बहुत ध्यान से सबसे पहले तो इस प्लाज्मिड पे जो जो साइट्स है वो आपको एज इट इज याद करनी है इसकी लेबलिंग आ सकती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हर के पास हमने कल था एक डीएनए उसके, उसके साथ लिंक करेंगे साथ ही में हमने कहा था कि एक एंजाइम की एक ही क्लोनिंग साइट रखेंगे नहीं तो फिर प्रोग्राम क्या हो जाता है प्रोसेस क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हर एंजाइम की आप देखेंगे एक ही क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है साथ ही में हमने बोला था कि एक वेक्टर के पास

लेकिन अगर मैं यहां पर इस जगह पर बैम एच वन की साइड पर अपना घुसा दू घुसा दो भाई ये मैंने पे अपना दोन ए घुसा दिया भाई घुसाने से तो मैंने जीन खराब कर दिया जीन ऑल्टर कर दिया घुसाने से क्या होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये इनएक्टिव हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं इन सर्शनल इनसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या बोलते हैं इसको इनसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब इंसर्ट करने की वजह से ये जीन इनएक्टिव हो गया इनएक्टिव होने का मतलब है पहले ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था अब ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया है अब ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया है सेंसिटिव मतलब अब तुम इसको टेट्रासाइक्लिन में डालो ये ग्रो नहीं कर पाए डाई इट विल डाई ठीक है जी तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है

Gene pe. और अगर यहाँ डाला तो एम्पिसिन पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू बताओ किसकी सेंसिटिविटी खत्म होगी या किसकी रेजिस्टेंस खत्म होगी तो तुम दिमाग लगाओगे तुम्हें पता चलेगा भाई इको आर वन तो ऐसे ऊपर बैठा है किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर पे बैठा ही नहीं है तो अगर मैंने अपना फॉरन डीएनए इको आर वन पे डाला है तो एम्पिसिन रेजिस्टेंस भी रहेगी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी रहेगी दैट मींस यू हैव टू हैव टू लर्न द होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मिड।

हुँ हुँ. हाँ जी चलिए इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ साइड पे रख लेती हूँ ओके तो अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक प्लेट है मेरे पास एक प्लेट है इस प्लेट में सारे होस्ट बैठे हैं अब मुझे सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मड और रिकॉम्बिनेंट है तो मैं इस प्लेट को ना दो मीडियम में डालूंगी वन बाय वन पहला जो मैं मीडियम चूज करूंगी दैट मीडियम इज गोइंग टू बी एम्पिसिलिन मीडियम कौन सा मीडियम चूज करेंगे अपन लोग एम्पिसिलिन मीडियम चूज करेंगे सबसे पहले नंबर पे एंड एम्पेसिलिन मीडियम में हम लोग देखेंगे कि कौन ग्रो कर जाएगा तीनों में से कौन ग्रो कर जाएगा तुम खुद बताओ मान लीजिए इसका नाम है ए इसका नाम है बी इसका नाम है सी इन में से कौन सा ग्रो कर जाएगा एम्पिसिन मीडियम में डाला है एम्पिसिन मीडियम में डाला है एक बारी मैं इसको ना इधर करना चाहती हूँ रुको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी मैं एनसीईआरटी वाली एग्जांपल ही लेना चाहती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दिस इज माय वेक्टर एंड दिस इज वेयर आई हैव पुट द जीन मैंने राइट right साइड डाल दिया राइट right साइड डालने का मतलब है आई हैव पुट माई फॉरन डी एन एट बैम एच वन यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉरन डी हमने कहाँ डाला है फॉरन डी को इंसर्ट किया है एट विच साइड बैम एच वन बैम मतलब मैंने टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे डाला है अब आंसर दो तो, आंसर बदल जाएगा यस yes, बताइए एम्पिसिलिन मीडियम में डाला तो किसको फर्क पड़ा कौन ग्रो करेगा ए को देखिए ए हमारा ये केस है अगर मैं इसको एम्पिसिलिन मीडियम में डालूंगी भाई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेट्रासाइक्लिन की हुई है एम्पिसिलिन की नहीं हुई है इसकी क्या हो चुकी है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन लेकिन टेट्रासाइक्लिन की एम्पिसिलिन तो बिल्कुल ठीक बैठा है है ना एम्पिसिलिन तो बिल्कुल ठीक बैठा है यानी कि यानी कि फर्स्ट वाला केस फर्स्ट वाला केस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुकी है और रिकॉम्बिनेंट भी हो चुका है ये एम्पिसिलिन yes no, सी ग्रो, 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 ग्रो करेगा बताओ ए ग्रो कर जाएगा हाँ जी ए ग्रो कर जाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन जीन इज एब्सोल्युटली फाइन एम्पिसिलिन मीडियम में एम्पिसिलिन मीडियम में ये ग्रो करेगा नहीं करेगा हाँ जी बताओ मैंने ठीक किया कि नहीं किया बताओ हाँ जी एम्पिसिलिन मीडियम डाला है सबसे पहले यस विल इट ग्रो और नॉट बेटा इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि एम्पिसिलिन डाला है क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन इसको मार नहीं पाएगा एम्पिसिलिन मार नहीं पाएगा तो इट विल ग्रो इन एम्पिसिन

मर जाएगा इट वोंट ग्रो ठीक है तो एक मीडियम में डालने से मैंने कम से कम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो बाहर निकाल दिया क्योंकि ग्रो ही नहीं किया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बाहर निकाल दिया यानी कि हमारे अब सिलेक्शन बची है इन दोनों के बीच में इन दोनों को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट इन दोनों को बेटा जी क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट क्या लगता है आज पेंसिल चलेगी मुझे लगता है कि मुझे अपना आईपैड अब अप फेंक देना चाहिए है ना क्योंकि इसने अब अप अपनी रंग दिखाने शुरू कर दिए इतनी जल्दी चलिए अब डालते हैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम यस अब क्या डालते हैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम डालते हैं अब बताओ कौन ग्रो करेगा कौन ग्रो नहीं करेगा टॉकिंग अबाउट देखो इसकी तो सीन ही नहीं है इसको तो बाहर निकाल दो दिस इज आउट ऑफ सीन क्योंकि हमने सी तो निकाल दी टॉकिंग अबाउट ए विल ए ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन

जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे यही मेरे को चाहिए हैं यही मेरे क्या हैं ट्रांसफॉर्म्ड हैं और यही मेरे क्या हैं रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं अब एक डाउट यहाँ पर सब बच्चों से आना चाहिए जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपके पास वो डाउट नहीं आएगा लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से समझा है कि भाई कौन ग्रो कर रहा है कौन नहीं ग्रो कर रहा तो एक डाउट सबके मन में आना चाहिए नहीं आया तो सोचो डाउट लेके आओ मन में इस इस वाली स्लाइड पे एक डाउट बनता है डाउट ये बनता है कि मैम हम लोग चले थे सिलेक्शन है. है, कर तो तो क्या करेंगे तो कर लिया, लेकिन मरे हुए बैक्टीरिया सिलेक्ट किए है बेटा जी मरे हुए यहाँ पर है लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंट दो प्लेट्स पर करते हैं विच इज रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट जैसे एक प्लेट ये होती है एक प्लेट ये होती है यहाँ पर ना इसके निशान आ जाते हैं तो जब मुझे यहाँ पर पता चलता है कि ये ग्रो नहीं किया ये ग्रो नहीं किया ये ग्रो नहीं किया तो मैं उसी दिशा वाले चूज कर लेती हूँ ये था ये था और ये था यानी कि ये वाले मेरे रिकॉम्बिनेंट एंड बैक्टीरिया तो दो प्लेट पर एक्सपेरिमेंट होता है हम लोग मीडियम एक ही प्लेट पर डालते हैं और उस हिसाब से सेकंड प्लेट में से जिंदा बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं विच इज अ रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट एक पे नहीं होता एक पे तो मर गए मर गए फिर क्या आगे प्रोसेस चलेगा ठीक है जी फिर क्या आगे प्रोसेस चलेगा लेकिन इस प्रोसेस की एक बड़ी लिमिटेशन है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज कर रहे हैं टू तो सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट दूसरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सिलेक्ट कर रहे हैं यूज कर रहे हैं टू तो सिलेक्ट फ्रॉम नॉन इट्स प्रोसेस बेटा इट्स वेरी कम्बरसम और वो भी दो प्लेटें बनाएंगे बैठ के फिर सिलेक्ट करेंगे तो बड़ा औखा सा प्रोसेस है कोई सिंगल स्टेप वाला है तो बताओ कोई सिंगल स्टेप वाला प्रोसेस है तो बताओ तो हमने बोला हाँ है हमारे पास एक और प्लाज़मिड का नाम है क्या नाम है इस प्लाज्मेट का प्लाज्मी एट ये कैसा दिखता है ये कैसा दिखता है तो मैंने प्लाज्मेट बना लिया मैंने मैंने बताया आपको हम लोग yes. हम लोग बेटा जी प्लाज्मिड का नाम उस नाम पे देते हैं जहां पर इसको बनाया गया है यूसी माने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट मतलब किस ऑर्डर में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाया गया है प्लाज्मा यूसी में एक स्पेशल जीन है जो हमने एम में भी पढ़ा है जीन 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 रेगुलेशन में एंड दैट इज कॉल्ड एज ये जो है इस जीन को हम लोग बोलते हैं लैक जेड जीन क्या है लैक जेड जीन कहा पढ़ा था पीपो जेड वाई एड जेड कौन था पीपो जेडवाई ए लैक ऑपरॉन z क्या था z will code for z will code for बताओ वहां पढ़ा था बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर z एक्सप्रेस कर गया तो भाई क्या बना देगा एक एंजाइम बना देगा बीटा गैलेक्टोसिडेज वही lak z है ये वही जीन रेगुलेशन वाला lak operon वाला lak z यही है ठीक है जी तो यही हमने यहाँ पर जीन चूज किया है हमने बोला है कि मैंने lak z जीन ऐसा लिया है आ,

क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे एंड द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज एक्सगैल एक्सगैल क्या है रंग देने वाला सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अगर मैंने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला और मीडियम में बीटा गैलेक्टोसिडेज हुआ तो भाई हमें नीले रंग की कॉलोनीज दिखेंगी किस रंग की दिखेंगी आपको रंग वही लिख देती हूं दैट इज दैट इज द ब्लू कलर्ड कॉलोनी समझ गए अगर मेरा लैक एक्टिव हुआ तो भाई एक्सप्रेस कर जाएगा तुमने इसको एक्सैल दिया और इसका रंग आ जाएगा ब्लू कलर यानी कॉल्ड एज यूज नहीं कर रहे हैं एम्पेलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर इसका बेटा जी ओ आर आई भी मौजूद होगा ओ आर आई भी मौजूद होगा ये है मेरा कौन सा प्लाजमेन प्लाज्मिड यू सी एट अब आपने प्लाज्मिड में क्या डालना होता है एलियन डीएनए डाल दो आपने में अपना एलियन डीएनए डाला ये है मेरा एलियन डीएनए किस कलर का डालें किस कलर का डालें इस कलर का डाल देते हैं तो दिस इज माय एलियन डीएनए ये देखो मैंने डाल दिया आप. अगर मैंने यहां पर एलियन डीएनए डाला बताओ जीन क्या हो जाएगा जीन क्या हो जाएगा मैं बोल रही कुछ भी डालोगे There will be insertional inactivation. Insertional in अगर इंसर्शनल इन एक्टिवेशन हुई तो भाई मतलब ये क्या हो चुका है प्लाज्मेड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेड हो चुके yes, मेरे बच्चों बताइए प्लाज्मेड कैसा हो चुका है रिकॉम्बिनेट प्लाज्मेड हो चुका है क्या ये बीता क्या इसका लैक जेड एक्सप्रेस करेगा ट्रांसक्राइब करेगा ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन बनाएगा नहीं बनाएगा यानी कि इस केस में इस केस में देयर इज नो बीटा गैलेक्टोसीडेज नो बीटा गैलेक्टोसीडेज चेक करने के लिए हमने क्या डाला चेक करने के लिए फिर से हमने क्या डाला एक्स डाला जो कि रंग देने वाला सबस्ट्रेट था बट सिंस बीटा गैलेक्टोसीडेज था ही नहीं तो कौन सा रंग मुझे मिला कौन सा रंग बेटा जी मुझे मिला व्हाइट कलर मिला कौन से रंग की कॉलोनीज मिली व्हाइट कलर की कॉलोनीज मिली यानी कि यानी कि अगर मेरे पास रिकॉम्बिनेंट होता है प्लाज्मी डू एट का तो कौन से रंग की कॉलोनीज मिलती हैं वाइट है ना क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाती है बीटा गैलेक्टोसिडेस बनता नहीं है एक्स गैल को कुछ मिलता नहीं है रंग देने के लिए तो व्हाइट कलर दे देता है लेकिन अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है तो बीटा गैलेक्टोसिडेस बन जाएगा एक्स गैल दोगे तो कौन सा रंग आएगा ब्लू कलर आएगा इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या कहलाता है बेटा जी ये प्लॉस प्रोसेस ब्लू वाइट स्क्रीनिंग अब मैम आपने तो बोला सिंगल स्टेप है हाँ सिंगल स्टेप ही तो है तुमने बस एक्सगैल डालना है और क्या करना है ऐसे थोड़ा मीडियमो में रखना है पहले एम्पिसलिन में रख रहे हैं फिर टेट्रासाइक्लिन में रख रहे हैं नो तुमने बस क्या डाल देना है एक्सगैल डाल देना है

हम बेटा जी कल वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे ये हमने बात की थी सो वन टाइप ऑफ वेक्टर मैं लिस्ट बना रही यूज ओ, ओ, हाँ, कर रहे हैं दैट इज प्लाजमिट प्लाजमिट के अलावा बहुत सारे वेक्टर होते हैं बैक्टीरियोफाज भी एक वेक्टर का काम करता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम पूरी बायो में याक और बैक और कहाँ पड़े हैं बताओ इन द कमेंट सेक्शन याक और बैक कहाँ पड़े हैं यस yes. कौन बताएगा क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़े हैं अभी पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा है यस yes. कहाँ पढ़े हैं एम में एम में क्या है ये दोनों वट आर दीज कौन बताएगा क्या है ये MBI में प्रीवियस नॉलेज अगर तुम नए चैप्टर के साथ साथ पुराना चैप्टर भूल रहे हो कोई, मतलब नहीं है. कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का एच जी पी में एच जी पी में ये दोनों एज अ क्या यूज होते हैं एज अ क्या यूज होते हैं HGP में यस yes, एच में क्या यूज होते हैं कमन कमन आंसर इन द चैट

ये तो था कि अगर मेरा होस्ट क्या है बैक्टीरिया क्या है मेरे बच्चों होस्ट क्या है बैक्टीरिया अगर मेरा होस्ट प्लांट सेल है तो मैं किस तरीके से करूंगा देखो तीन चीजें पढ़नी है ना तीन चीजें पढ़नी है टूल्स में टूल्स कहाँ गए कल बताए थे वेर आर द टूल्स ये तीन टूल्स मैंने आपको बताए थे एंजाइम्स डन कल ही कर लिए थे वेक्टर आज कर लिया तीसरा टूल अब हम करने वाले हैं होस्ट तीसरा टूल बेटा जी हम क्या करने वाले हैं होस्ट अगर तो मेरा होस्ट बैक्टीरिया था अगर मेरा होस्ट बैक्टीरिया था तो मैंने प्लाज्मिट को एज अ वेक्टर यूज कर लिया था अम्यों? मेरा होस्ट अगर बैक्टीरिया था इफ माय होस्ट वाज बैक्टीरिया तो मैंने वेक्टर किसको यूज किया विच वन इज द वेक्टर वाज वॉज यूजुअली यूज या बैक्टीरियोफाज भी कर सकते हो अब मैं होस्ट बदल रही हूँ नाउ माई नाउ माई होस्ट इज नॉट बैक्टीरिया नाउ होस्ट होस्ट इज बताओ अब मेरा होस्ट कौन है प्लांट सेल है प्लांट सेल है अब मैं एज अ वेक्टर किसको यूज करूंगी अब मैं प्लाज्मिड प्लाज्मिड थोड़ा होता plant cell plant cell तो cell है प्लांट सेल में प्लांट सेल तो यू सेल है यू सेल में प्लाज्मिड कहां से आएगा वो तो प्रोक्रियोटिक सेल में होता है अगर मेरा होस्ट अगर मेरा होस्ट प्लांट सेल है तो मैं एज अ वेक्टर यूज़ लेकिन एक स्पेशल टाइप के प्लाज्मिट को दैट इज कॉल्ड एज टी आई टीआई टी आई ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम एग्रो ये एक बैक्टीरिया है कैसे यूज करूंगी ये भी सिखाती तो मान लो ये मेरा कोई डायकॉट प्लांट है दिस इज समय प्लांट ठीक है जी ये मेरा बढ़िया सा प्लांट है

इंड्यूसिंग प्लाज्मेड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेड ऐसा इसमें क्या है जो कि ट्यूमर कॉज करता है ऐसा बेटा जी इसके पास एक डीएनए एक छोटा सा सेगमेंट है जो ट्यूमर कॉज करता है दिख रहा है सबको छोटा सा सेगमेंट है जो ट्यूमर कॉज करता है इस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं टी डी एन ए क्या बोलते हैं टी डी एन एसफर ट्रांसफरेबल डीएनए ठीक है जब ये टी आई प्लाज्मेड या एग्रो बैक्टीरियम इसको इन्फेक्ट करता है किसी भी डायकोड प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो इसको एक बीमारी दे देता है

इसके अंदर तुम कुछ भी डालोगे वो प्लांट में चला जाएगा तो इसने बोला भाई यहाँ पर तो इसके अंदर टीडीएनए इस को, को हटा दिया तो इसको बोलेंगे निहत्था कर दिया क्या कर दिया निहत्था डिसआर्म्ड इसकी आर्म इसकी पिस्तौलें बंदूकें बम्ब सब ले लिया इससे डिसआर्म्ड कर दिया और साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई मैं अपना डीएनए डाल देता हूं ना नहीं हो सकती अब बेटा जी इसको बैक्टीरिया को डालेंगे प्लांट में इसका ट्यूमर वाला प्रॉपर्टी अभी भी है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा एक्सप्रेस करेगा तो हमारा यहां पर काम हो जाएगा हम तो डिजायर डीएनए को एक्सप्रेस करा रहे थे

प्रैक्टिस क्लास भी 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 होगी। छुट्टी। छुट्टी अब अब कोई Sunday, कोई संडे, रिपब्लिक डे, कुछ नहीं है। अब जो है है। है। है जो वो नीट है, अगर मैं इस तरीके से आपके साथ कंसिस्टेंट रह सकती तो आपको भी रहना है। आपको रहना वाले दिन आना है और मेहनत करनी है ठीक है चलो तो ये बात होगी अगर मेरा होस्ट क्या है प्लांट सेल अब अगला केस करते हैं अगला केस करते हैं अगर मेरा होस्ट क्या है एनिमल सेल तो मैं एज अ वेक्टर किसको यूज़ करूंगी एज अ वेक्टर बेटा जी हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं पहला रेट्रोवायरस ये क्वेश्चन आया था रेट्रोवायरस पर ही और हम यूज़ कर सकते हैं शॉटल वेक्टर्स को भी तो रेट्रोवायरस यूज कर लो क्योंकि रेट्रोवायरस क्या होते हैं कैंसरस होते हैं तो उसको भी डिसाम करेंगे और डाल देंगे अपने एनिमल सेल के अंदर और अगर मेरा होस्ट होस्ट कोई भी यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है

ट्रांसफॉर्म कर सकते हो क्या किसी बच्चे को याद है ये वेक्टरलेस मेथड ये तो वेक्टर मीडिएटेड है इधर तो मैंने वेक्टर यूज किए एग्रोबैक्टीरियम रेट्रोवायरस वेक्टर यूज किया वेक्टरलेस मेथड भी है बिना वेक्टर के भी तुम डिजायर्ड डीएनए प्लांट में डाल सकते हो और बिना वेक्टर के भी तुम डिजायर्ड डीएनए एनिमल में डाल सकते हो बताओ कौन बताएगा वेक्टरलेस मेथड बताइए प्लांट के लिए प्लांट के लिए वेक्टरलेस मेथड लेके आयो बंदूक जी बिल्कुल सही है कौन सी बंदूक जीन गन जीन गन इज अ वेक्टरलेस मेथड जिसमें हम क्या करते हैं ओवर द टंगस्टन और गोल्ड ठीक है और उसको हाई वेलोसिटी पे बम्बार्ड करेंगे और वो सीधा पहुंच जाएगा प्लांट के सेल के अंदर विच वन इज अ वेक्टरलेस मेथड फॉर एनिमल्स यही बता रही हूँ वेक्टरलेस मेथड फॉर एनिमल्स इज माइक्रो इंजेक्शन छोटा सा वेरी स्मॉल वेरी माइन्यूट माइक्रो इंजेक्शन दैट इज अ वेक्टरलेस मेथड फॉर एनिमल्स ठीक है जी जीन गन फॉर प्लांट्स एंड योर माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल्स याद रहेंगे चलिए तो ये मैंने आपको खास बात बता दी अब आपका कल किसका एग्जाम्पल लिया था हमने पीलू और दूसरा कौन था बताना यार दूसरा कौन था कल एग्जाम्पल से अब शुरू करते हैं उसको हमने पीलू को इंटेलिजेंट बनाना था डीएनए दिया था पीलू को पीलू को इंटेलिजेंट बनाना था बेटा किसका डीएनए दिया था हम्म hmm. पीलू को इंटेलिजेंट बनाते हैं हमने दिया था विष्णु का डीएनए चलो अब विष्णु आए हैं विष्णु आए ये रहे विष्णु विष्णु कह रहे हैं चलो मेरा डी एन ए निकाल ही लो और पीलू में डाल दो यानी कि अब हम असली प्रोसेस शुरू करने वाले आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या होगा स्टेप नंबर वन डीएनए इसका बाहर निकालना ये जो मैं स्टेप लिख रही हूँ ना बेटा नीट दो हजार तेईस में इसी साल सेवेंथ मे वाले पेपर को मणिपुर वाले नहीं सेवेंथ मे वाले पेपर में

अब तो बहुत सारे टुकड़े हो गए मेरे काम का टुकड़ा कौन सा है यानी कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट विष्णु का जो मुझे जीन चाहिए कौन सा डिजायर्ड फ्रेगमेंट चाहिए उसको सेपरेट करेंगे बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर जो सेगमेंट आ जाएगा उसको एम्पलीफाई करेंगे एम्पलीफिकेशन पीसीआर करके एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए ऑफ डिजायर्ड डीएनए ठीक है एम्पलीफाई करने के बाद उसको जोड़ देंगे वेक्टर से जोड़ने को क्या बोलते हैं लाइगेशन

तो उसके सेल्स को क्या करेंगे कल्चर करेंगे कल्चरिंग ऑफ सेल्स कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल एट लार्ज स्केल जिस भी स्केल पे तुमको करना है अभी हम ये आठों स्टेप पढ़ने वाले हैं आठों स्टेप पढ़ने वाले हैं आर यू रेडी आर यू रेडी ये ऑर्डर का क्वेश्चन इनको लाइन से ऑर्डर में लगाइए ये क्वेश्चन कब आया था इसी साल यानी कि नीट 2023 का सवाल है ये अब क्या सवाल नोट से बाहर आते हैं नहीं आपके समझने में आपकी रिविजन में अंतर रह जाता है एक एक सवाल इस चैप्टर का नोट्स में से आता है कुछ बाहर से नहीं आता नोट्स यानी कि एनसीआरटी हम एनसीआरटी को ही बहुत बेहतर तरीके से लिखते हैं कि हमारी एनसीआर हमें याद हो जाए करनी एनसीआर है अल्टीमेटली और कोई किताब नहीं है लेकिन अगर लिख के करोगे अब मैं आऊ मान लो मैं आऊ मैंने तुम्हें यहाँ गुजर मुचर करके कोई नोट्स नहीं बनवाए समझा दिया लेकिन और बोला कि, ना तो मैं कुछ नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या कराया बनते हो या बिल्कुल गुजर मुजर करके कुछ भी लिख दिया समझ आ रहा है नो डाउट समझ आ रहा है बट यू हैव टू से तीन महीने बाद छह महीने बाद अब तो तीन बचे हैं बट मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ अगर आपके पास आपके नोट्स ना होते तो आज आप हैंडीकैप्ट फील करते आपको वही चीज दोबारा बनानी पड़ती अब आप कितने फ्री है मेरे पास तो ऑलरेडी नोट कुछ दोबारा नहीं बनाना है। मुझे बस आठ बारी नोट्स पढ़े आठ बार एनसीआरटी पढ़ी तो मैं बोलूंगी तुमने सोलह बारी एनसीआर क्योंकि जो चीज यहाँ थी वही चीज यहाँ थी लिखने का तरीके का अंतर था चीजें अंतर नहीं थी तरीका डिफरेंट था वो एनसीआर तो आप सोलह वरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इस तरीके से समझ रहे हो दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड यू विल रियलाइज व्हेन यू विल सी द पेपर ना आप खुद रियलाइज करेंगे इस चीज को ठीक है चलो स्टेप नंबर 1 करते हैं स्टेप नंबर 1 कौन सा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए कौन सा है स्टेप नंबर 1 दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए हां जी कौन आया किसका डीएनए निकालना है विष्णु का विष्णु आए कह रहे मेरा डीएनए निकाल लो तो डीएनए निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका कौन सा सैंपल लोगे आप बोलोगे विष्णु जी अब दर्द लेने के लिए तैयार हो जाओ आप इसका ब्लड सैंपल ले लोगे क्या ले लोगे ब्लड सैंपल ले लोगे ब्लड में तुम्हें कौन से सेल मिलेंगे आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट अब क्या तुम आरबीसी से काम करोगे बताओ विल यू वर्क विद आरबीसी खुद दिमाग लगाओ अगर तुम्हें ब्लड में आरबीसी मिले क्या आप आरबीसी से काम करेंगे बताओ आरबीसी से काम कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते कह रहे यस आधे बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ सी तो क्या हो गया आरबीसी तो वैसे मिलियन है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड काम कर लेंगे बहुत सारे सेल है बेटा आरबीसी से काम कैसे करोगे आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं है अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है डीएनए नहीं है तो किसको काटोगे किसको दोगे आप जाके पीलू को क्या दोगे जब डीएनए ही नहीं है क्या प्लेटलेट से काम करोगे प्लेटलेट्स आर आल्सो नॉट रियल सेल दे आल्सो डोंट हैव डीएनए इनके पास भी नहीं है तो हम सिर्फ किससे काम कर सकते हैं डब्ल्यू बी सी से काम कर सकते हैं है? क्योंकि उनके पास, उनके पास पास न्यूक्लियस भी है और उनके पास बीच में डीएनए भी मौजूद है ठीक है तो आरबीसी और आपके वो बिल्कुल वेस्ट है ठीक है जी वेस्ट है चलो ब्लड सैंपल लिया ब्लड सैंपल में से हमको डीएनए चाहिए तो ब्लड सैंपल में से अगर मुझे डीएनए चाहिए तो पहले तो बाहर की मेम्रेन तोड़ो की मेमरेंस तोड़ो तो अगर मान लीजिए आपका होस्ट कौन है अभी तो मैंने होस्ट आ, किसको लिये? को लिए विष्णु को लिए लेकिन मान लो मेरा होस्ट कौन है बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में सबसे बाहर वाली लेयर होती है किससे तोड़ोगे बताओ किससे तोड़ोगे किससे तोड़ोगे हाँ जी बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन टूटती है बाय बाय बेटा जी Lysozyme, तोड़ दिया प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोस से बनती है किससे टूटेगी सैल्यूलेस से फंजाई वॉल काइटिन से बनती है किससे टूटेगी से, से। ठीक है जी तो ये मुझे पहले मैंने डब्बा बना लिया कि किसकी वॉल को तोड़ना कैसे है पेप्टिडोग्लाइकन को से, cellulose को cellulose से, काईटिन को से 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 काइटिन काइटिनेस इसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होंगी जैसे कि बेटा जी प्रोटीन है फालतू के प्रोटीन है तोड़ना है कैसे तोड़े प्रोटीन से जैसे कि आरएनए है आरएनए है कैसे तोड़े आरएनए से हमें हर वो चीज खत्म करनी है जो डीएनए नहीं है जो डीएनए नहीं है कैन आई यूज डीएनएज क्या मैं डीएनएज यूज कर सकती हूँ बेटा अगर मैंने डीएनए यूज कर लिया ना तो डीएनए ही मर जाएगा अब जिससे काम करना था उसी को मार दिया उसको नहीं मार सकते हैं डीएनएज यूज नहीं करोगे ये बाकी चीजें आप यूज करके सब कुछ मार दोगे एक्सेप्ट डीएनए अब मेरे पास ये सारा काम हो रहा था टेस्ट अब टेस्ट ट्यूब ट्यूब में में अब मेरे पास ऐसे कलर के ना दूर 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 धागे आ गए ये दूर दूर धागे क्या डीएनए लेकिन ये फैले हुए हैं इनको मुझे इकट्ठा करना है ताकि मैं इनको नेकट आइस से देख पाऊं इतने पतले कि आपको दिख नहीं रहे तो आपको इनको इकट्ठा करना है प्रेसिपिटेट करना है इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लोग इसके अंदर डालते हैं हम लोग बेटा डालते हैं इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसमें क्या डालते हैं कि ये प्रेसिपिटेट हो जाए हम लोग इसमें डालते हैं चिल्ड एथेनॉल पीने वाली नहीं है बेटा चिल्ड एथेनॉल जैसे ही आपने इसमें चिल्ड एथेनॉल डाली तो क्या चेंज आया ये जो फैले फैले से छोटे छोटे फ्रैगमेंट थे ना ये सब इकट्ठे हो गए ये सब प्रेसिपिटेट हो गए और ये कहलाया मेरा प्रेसिपिटेटेड डीएनए कैसा डीएनए है ये प्रेसी

और इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को बाहर निकाल लोगे तो विष्णु के एक सेल का डीएनए बाहर आ गया क्या विष्णु जिंदा है अब तक बताओ क्या विष्णु जिंदा है yes. क्या विष्णु जिंदा है बताना ऐसे तो नहीं विष्णु को ही बाहर निकाल दिया विष्णु का डीएनए क्या बाहर निकाल रहे हैं कह रहे विष्णु को ही बाहर निकाल दिया <laughs> जी में से तो डीएनए निकाल विष्णु जिंदा है विष्णु कुछ नहीं हुआ बेटा पांच फाइव एम ब्लड देने से कुछ नहीं होता है आप फिर से ब्लड की रिकवरी कर लेते हैं ठीक है तो वैसे भी हमें ब्लड डोनेशन हर छह महीने में जब आप एडल्ट हो जाएंगे अठारह साल के हो जाएंगे तो आपको अठारह साल के बाद तो वैसे बींग गली बींग मेल स्पेशली आपको हर स्पेश महीने पर ब्लड को डोनेट करना चाहिए ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके ब्लड को कभी थिक नहीं होने देगा एंड इट विल रियली हेल्प यू आल्सो हेल्थ वाइज वो हमें करना भी चाहिए तो विष्णु ने तो फाइव एम एल दिया है कोई बात नहीं कुछ नहीं हुआ विष्णु इज फाइन बेटा थोड़ा बहुत जूस वूस पियो केला खाओ अः चकुंदर का जूस निकालो गाजर का जूस पियो सब ठीक हो जाएगा ठीक चलो अब विष्णु का इतना बड़ा डीएनए बाहर आ गया <coughs> ये डीएनए बाहर आ गया। हमें तो चाहिए इसकी इंटेलिजेंस वाला जीन ये वाला जीन चाहिए अब क्या करेंगे इसके लिए हम इसको कट करेंगे तो अगला स्टेप स्टेप नंबर टू मैंने क्या बताया था स्टेप नंबर टू बताया था फ्रेगमेंटेशन तो कर दो तो, कर दी फ्रेगमेंटेशन यही लिख देती हूँ स्टेप नंबर टू फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन विद आरी रिस्ट्रिक्शन हो रहा है very small vials, Fragment जब मैंने किया तो इसके तीन टुकड़े हो गए का 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 जो है 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 वो लेकिन क्या तुम्हें तो दिख रहा है वो छोटी सी वायल में वेरी स्मॉल वायल सा है बिल्कुल नहीं, नहीं दिख रहा बेटा सब एक जैसा मिक्सचर सा ही दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा कि ए कौन सा है बी कौन सा है सी कौन सा है इसको पता करने के लिए क्योंकि मुझे ए नहीं चाहिए बेटा ना सी चाहिए मुझे तो बी चाहिए यही मुझे पीलू में डालना है है ना जी तो मैं क्या करूंगी मैं तीसरा स्टेप करूंगी तीसरा स्टेप क्या था तीसरा स्टेप ये देखो पढ़ो तीसरा स्टेप है सेपरेशन एंड आइसोलेशन तो हम अगला स्टेप करने वाले हैं दैट इज द सेपरेशन एंड आइसोलेशन कि सेपरेट करो क्या सेपरेट करो ए बी सी में से बी निकालो क्योंकि से आप नहीं कर पा रहे हो अभी तो तुम्हें तो तो दिख रहा है अच्छा तो वायल्स में होता है तब तो नहीं दिखता क्या करें? क्या करें? खुशबू गुलाटी ने सही आंसर दिया है अब हम एक टेक्निक लगाएंगे तिगड़म लगाएंगे जिसका नाम है एज क्या होता है एज एज होता है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन क्वेश्चन का भरमार है इस वाले टॉपिक में से अगले पांच मिनट में क्वेश्चन का भरमार है क्वेश्चन बताने से पहले गुड न्यूज और बताना चाहती हूँ एक तो मैंने गुड न्यूज बताई थी कि आपके ऑल स्टार क्रैश कोर्स पे कल तक आपका रिपब्लिक डे का ऑफर है फोर ट्रिपल नाइन में मिल रहा है दूसरा बेटा आप जानते हैं ना दिस इज माई बुक एंड दैट इज अभ्यास मॉक टेस्ट जिसमें चौबीस मॉक पेपर है

इस सप्लीमेंट्री बुक में सारे न्यू टॉपिक्स सारे न्यू टॉपिक्स बेटा जी जितने ऐड हुए हैं ना ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो जो नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ऐड हुआ है जैसे कि प्लांट फैमिलीज फ्रॉग कॉकरोच कंट्रोवर्शियल चीजें वो सब मैंने इसमें एक बुक में डाल दी है ये पूरे बंडल पे कल के दिन के लिए आपको मिलने वाला है थर्टी परसेंट ऑफ आज तक नहीं आया सिर्फ टेन आया मैक्सिमम मैक्सिमम टेन ट्वेल्व कल बेटा जी इस पूरे बंडल पे ट्वेंटी फोर वाले पे नहीं कर सकेंगे तो एमेजोन पर जाना मेरा नाम डालना सी पाउजा बुक आ जाएगी उसको कल लीजिएगा क्योंकि कल आपको थर्टी परसेंट ऑफ मिलने वाला है और जो बच्चा ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा वो अपनी आधी प्रैक्टिस छोड़ रहा है क्योंकि वहां पर पेपर ऑफलाइन है अभी हम जेई के लेवल पे नहीं आए हैं कि पेपर ऑनलाइन है हो सकता है, है ना बट अभी के लिए पेपर क्या है आपका ऑफलाइन तो ऑफलाइन में प्रैक्टिस मस्ट तो कल मॉक पेपर जिसमें आपके पास चौदह यूनिट वाइज आएंगे और दस आपके पास फुल सिलेबस आएंगे उस पर थर्टी परसेंट ऑफर है ठीक है जिसने ले लिया बहुत अच्छी बात है वो पेपर सॉल्व करें रखने के लिए नहीं लिया और जिसने नहीं लिया है टुमारो इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे खुद पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कैसी है मुझे बोलने की जरूरत नहीं जी? Yes. Amazon मेरा नाम है आपको मिल जाएगा। मेरा पूरा नाम डालो सीपा मॉक पेपर डाल दो सीपाजा बुक डाल दो, तो दोनों बुक्स आ जाएंगे अभी आपके काम की ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के काम की अभ्यास मॉक टेस्ट है <laughs> ठीक है वहां पर ऑफर नहीं है बेटा मार्टिन गिल ऑफर आपको Amazon पे ही मिलेगा ठीक है यस चलिए आ जाइए तो मिस गुलाटी ने बताया था हमें कि हम सेपरेशन और आइसोलेशन कैसे करेंगे एज से करेंगे व्हाट इज एज एज इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बना ले जेल क्या होती है एज करके दिखाओ मैम हाँ जी फटाफट से करके दिखाते हैं अरे हम लोग एज करके दिखाते हैं ए जी ई ये देखो ए जी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके लिए बेटा जी पाउडरस जेल होती है ये जेल किससे बनती है? मीडियम। देख रहे हो बेटा इसको देख रहे हो लिखती ऊपर लिखता नीचे है ये। एग्रोस लिया agrose बेटा जी, में हमको मिलता है से ठीक है रेड एल्गी से पाउडरस फॉर्म में लेते हैं हम इसको ये मैंने परफॉर्म किया हुआ बेटा

इसमें फिर हम एक कुंभ डाल देते हैं कुंभ जैसे कंगी नहीं होती कुंभ डाल देते हैं। अभी लिक्विड ही है ये कुंभ डालने से क्या होगा कि जब ये लिक्विड सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ पर छेद बन जाएंगे कुंभ डाल के रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं अभी एग्रोज जेली लाइक बन चुकी है सॉलिड हो चुकी है लेकिन बीच में क्या बन चुके हैं छेद बन चुके हैं इनको हम बोलते हैं वेल्स क्या बोलते हैं वेल्स इन्हीं वेल्स में डीएनए की लोडिंग होती है डीएनए को लोड किया जाता है ठीक है जी तो अब मैं यहाँ पर चार मैंने वेल्स बनाए हैं पहले वाले वेल में मैं अनडाइजेस्टेड डीएनए डालूंगी क्या डालूंगी पहले वाले वेल में अनडाइजेस्टेड डीएनए अनडाइजेस्टेड ठीक है अनडाइजेस्टेड डीएनए दूसरे वाले में ए वाला फ्रेगमेंट दूसरे वाले में फ्रैगमेंट देन बी एंड देन सी ए बी सी क्या है ये है मेरे ए बी सी ए फोर यूनिट क्या है बी वन यूनिट क्या है सी मेरा फाइव यूनिट क्या है तो डाल दो डाल दिया भाई यहाँ पे भी डाल दिया यहां पे भी डाल दिया यहां पे भी डाल दिया एंड यहां पे भी डाल दिया अब इस पूरी जेल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं विद इलेक्ट्रिकल चार्ज ठीक है जी इसको चार्ज से कनेक्ट कर दो यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी मैंने इसको चार्ज से कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी देर नेबर क्या चार्ज होता है बेटा बताएं एक साइड पर जब मैंने चार्ज से इसको कनेक्ट किया तो ऊपर की साइड पे मैंने लिया कैथोड ठीक है कैथोड और नीचे वाली साइड पे मैंने क्या लिया एनोड

कोई बात नहीं हो जाते हैं कई बार हम जेठालाल जैसी बातें कर देते हैं कोई बात नहीं हाँ जी तो हमने डीएनए को लोड कर दिया डीएनए मेरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हाँ वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा अब जितना बड़ा डीएनए होगा तो उतना धीरे धीरे चलेगा अब देखो एक हाथी है एक खरगोश है

ये सबसे पीछे रह गया मेरा ठीक है इसको यहाँ पे छोड़ दो उससे छोटा कौन सा आएगा नेक्स्ट आएगा मेरा सी वाला ठीक है सी मेरा यहाँ तक पहुंचा Then कौन सा आएगा ए वाला ए फोर है ना यहाँ तक पहुंचा और सबसे छोटा कौन सा है बी वाला बी वन यूनिट है बी सबसे दूर चला गया यानी कि जो सबसे मोटा ताजा था लार्जेस्ट था वो पीछे रह जाएगा एंड स्मॉलेस्ट था वो आगे आ जाएगा क्यों क्योंकि छन्नी इफेक्ट मिला उससे पतली चीज निकल जाती है मोटी चीज रह जाती है यानी कि डीएनए इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज साइज से हमने सेपरेट किया तो सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है द डीएनए फ्रैगमेंट द फार्दर इट मूव वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको इसपे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट फार्दर इट वेल

दौड़ गया अब इसको देखना है तो पहले इसको रंग देंगे पहले इसकी स्टेनिंग करेंगे स्टेनिंग के लिए क्या यूज करते हैं ए टी बी आर वॉट इज एटीबीआर रोमाइट सबको पता है ना और स्टेनिंग करने के बाद हम इसको विजिबल लाइट में नहीं देखेंगे हम लाइट कौन सी यूज करेंगे यूवी रेज अल्ट्रा वायोलेट रेज में देखा जाता है और वहां पर मुझे ऑरेंज कलर्ड बैंड्स मिलते हैं ऑरेंज कलर्ड बैंड्स मिलते हैं वेरी वेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है 2022, 2020 हर साल में इन पे सवाल आया जेल की किससे करते हैं जेल को देखते किस में यू रेज में जब देखते हैं तो ये बैंड्स किस रंग के दिखते हैं तुम बोलोगे ऑरेंज बैंड्स ठीक है ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं दिख गए देखने के बाद पता चल गया कि मुझे तो ये वाला डीएनए चाहिए ये वाला डीएनए चाहिए निकाल लो कैसे निकालोगे काटने तो बैठोगे जेल को जेल है ना जेल है तो तुम चाकू लेके आओगे बेसिकली फोर्थ लेके आओगे एंड बहुत बारीकी से आप इसके अराउंड ना जेल में कट लगाएंगे कट लगाएंगे और इसमें से डी एन ए निकाल लेंगे ये सेक्चुअल में ऐसे ही करते हैं ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने अपने बैंड के अराउंड कट लगाया और डीएनए निकाल लिया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा जी इनको इल्यूशन यानि कि एक्स्ट्रैक्शन ऑफ इल्यूशन इज बेसिकलीस्ट्रैक्शन ऑफ डी एन ए फ्रॉम जेल में से मैंने अपना डीएनए निकाल लिया इसको हमने क्या बोल दिया इल्यूशन ये पूरी स्लाइड में से मुझे नहीं पता दो दो क्वेश्चन क्वेश्चन तो बन सकते हैं। दो बन सकते सकते हैं हैं या तो तुमको यहाँ पर साइजेस दे देंगे और बोलेंगे कि कौन पीछे है कौन आगे है या सबसे छोटा कहाँ है इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि साइज के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट किया है जो जितना छोटा होगा वो उतनी दूर जाएगा ठीक है फिर चार्ज के अकॉर्डिंग तो सारे सेम थे सारे नेगेटिवली चार्ज थे तो सारे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे आपको एनोड कैथोड पूछ सकते हैं आपको पूछ सकते हैं स्टेनिंग किससे करोगे आपको पूछेंगे विजिबल लाइट में देखोगे आप बोलोगे नहीं हम बोलेंगे यूवी लाइट में देखेंगे यूवी लाइट में देखने पर कौन से रंग का दिखेगा नीले रंग का तुम बोलोगे नहीं सतरंगी सतरंगी नहीं भगवा कलर का दिखेगा ऑरेंज कलर का दिखेगा ऑरेंज कलर का दिखने के बाद आप अपने डीएनए को कैसे निकालोगे बाहर काट के उस काटने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन अब मैंने डीएनए निकाल लिया बेटा लेकिन ये तो डीएनए निकाले तो बहुत ही छोटा है वेरी स्मॉल वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक इससे काम नहीं होता इससे काम नहीं होता है बेटा सदरन ब्लॉटिंग यहाँ क्यों करेंगे सदरन ब्लॉटिंग हमने कहा की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में की थी

बस फोर में से तो सवाल आएगा ही आएगा आप बोलते हो मैम तो सब चीजें करा देती हैं और कहती हैं कि ये भी करना है ये भी करना है कुछ नहीं छोड़ती हैं हाँ बेटा मेरी नेचर है कि मैं आपको कुछ भी छोड़ने का कभी भी कभी भी यू नो नसीहत नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो गलत नसीहत है आई कैन नेवर से कि ये कर लो ये इंपॉर्टेंट है ये कर लो ये छोड़ जाओ आई कैन ओनली से करना सब है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसको दो बारी देखो ठीक है दो बारी देखो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इल्यूट कर लिया अब इसको एम्पलीफाई करो बताओ कैसे करेंगे एक टेक्निक है इस टेक्निक को हम लोग रूटीनली आजकल यूज कर रहे हैं इस टेक्निक का नाम है किसने बनाई है दिस वॉज डेवलप्ड बाई कैरी कैरी मिनाती नहीं है बेटा ये के वाला कैरी है कैरी पुलिस आधे ज्यादा बच्चों के माइंड में क्या आता है कैरी मिनाती हैं वो कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं यस yes, उन्होंने पीसीआर बना दिया रेवोल्यूशन ले आए हैं बायोटेक में नहीं बेटा ये कौन है कैरी विद द के नॉट सी तो इट्स अ कैरी पुलिस नॉट कैरी मिनाती 1970 1972 की बात है के आसपास की बात ठीक है जी तो पीसीआर आया पीसीआर से हम अपने छोटे से डीएनए को क्या करते हैं एम्पलीफाई करते हैं कैसे करते हैं पीसीआर याद करो पहले मेरे साथ पीसीआर में तीन स्टेप होते हैं डी ए ई डे जैसे बेटा होता है ना आजकल जो हमारा पार्टनर होता है उसको बोलते हैं बे जिसको नहीं पता तुम्हारी जेंजी की लैंग्वेज में तुम्हें तो पता ही होगा बिफोर एनी एल्स अब वैसे बे के जैसे बे के जैसे अब मैंने कर लिया डे डी फॉर डी फॉर डी नेचुरेशन एन फॉर अनिलिंग एंड ई फॉर एक्सटेंशन पिछले तीन चार साल से लगातार रहा है 2020 में भी आया था बाईस में भी आया था एंड आई गेस तेईस में भी आया था ठीक है इसके ऑर्डर पे सवाल आ रहा है कि पहले कौन सा स्टेप होता है तो तुम्हें याद रखना इट इज ऑलवेज डे डी विल बी फॉलोड बाई ए एलोड बाई उल्टा पुलटा नहीं कर देना D, A, e. ठीक है जी नहीं पता था आप जेंजी नहीं हो बेटा ओम शिंदे ओम शिंदे कह रहे हमें तो नहीं पता था बे के बारे में कोई बात नहीं नहीं पता अच्छी बात है डे के बारे में जरूर कर लो तो पहला स्टेप है डी नेचुरेशन तो ये मेरा बड़ा सा डीएनए है देखिए ये मेरा डीएनए है एंड इस डीएनए पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है ये दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं डीएनए का एक फ्रेगमेंट होगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम थ्री प्राइम देन फाइव प्राइम ठीक है जी चलो ये मैंने ऊपर क्या लगा दिया आ, अब ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको दियाफाई करना है तो सबसे पहले हम कौन सा स्टेप करेंगे डे डे में से ड डीनेचुरेशन करी जाती है एक स्पेसिफिक पर इस को बोला जाता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड डीनेचुरेशन करने के बाद क्या होगा कि इसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना दे विल ब्रेक अगर मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो ऊपर का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा ऊपर का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा नीचे का स्ट्रैंड अलग, अलग हो जाएगा तो ये देख लो ऊपर का स्ट्रैंड हो गया अलग फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम नीचे का स्ट्रैंड हो गया अलग अब हम इस पे क्या करेंगे अगला स्टेप अगले स्टेप का नाम है ए अनिलिंग अनिलिंग किस टेम्परेचर पे की जाती है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी टेम्परेचर आप इसमें सेट कर सकते हो इस अनिलिंग में हम एक छोटा सा ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर लेके आएंगे और उसको यहाँ लगा देंगे ये देखो प्राइमर आपको बताया ना एम में सिखाया था प्राइमर विल बी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड यहाँ पर भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इस प्राइमर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया चिपका दिया इसको बोलते हैं अनिलिंग इसका क्या नाम है किसको चिपकाया दिस वन इज द ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर बाजार में मिलता है बेटा तुम कहोगे मैं मजाक कर रही है सच में बता रही हूँ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स प्राइमर्स बेटा जी यू कैन बाय फ्रॉम द रिसर्च मार्केट दे आर अवेलेबल आपको जिस जीन का प्राइमर चाहिए दैट इज अवेलेबल क्योंकि हमारे पास पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो चुका है तो वी नो वॉट प्रेजेंट इन जीन वी कैन डेवलप डेवलपोक्ट्री टू दैट तो ये भी एक फॉर्म में मिलते हैं हमको और उसमें हम डाल देते हैं प्राइमर सच में मिलते हैं आप जिस भी जीन का बोलेंगे वो मिल जाएगा ठीक है जी चलो प्राइमर हमने यहाँ लगा दिए अनिलिंग कर दिए अब करते हैं स्टेप नंबर थ्री पे स्टेप नंबर थ्री पे यस चलिए अगेन फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम अब ये जो प्राइमर्स हैं इसके साथ हम डाल देंगे डी क्या डाल देंगे यहाँ पर मैंने डाल दिए डी एन टी पीज डिऑक्सी राइबो, राइबो, राइबो फॉस्फेट्स ए टी सी जी बेसिकली डाल दिया ठीक है जी प्राइमर मेरे इतने इतने लगे हुए हैं यहाँ पर ये जब इनको डी मिलेगा तो ये पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से एक्सटेंड होना शुरू करेंगे ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा लेकिन यहां पर मुझे ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो कि इस एक्सटेंशन को हाई टेम्परेचर पर कर पाए क्योंकि जो ई वाला स्टेप है ना दिस एट डिग्री सेंटीग्रेड अब इतनी हाई टेम्परेचर पे कौन सा पॉलीमरेज काम करेगा द पॉलीमरेज इज टैक पॉलीमरेज क्या नाम है इस पॉलीमरेज का टैक पॉलीमरेज तो टैक में ट क्या है ट इज थर्मस थर्मस ए क्यों क्या है अक्वाटिकस थर्मस एक्वाटिकस ये कौन है ये एक बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है ये एक बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है इस बैक्टीरिया में से ये निकाला टैप पॉलीमरेज तो अगर बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में है तो उसका एंजाइम भी तो हाई टेम्परेचर पे काम कर जाएगा तो टैप पॉलीमरेज विल वर्क एट हाई टेम्परेचर और ये मेरे प्राइमर्स को यहाँ पर इलांगेट कराएगा एंड बेटा जी अल्टीमेटली क्या होगा अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पर यहाँ पर एक डीएनए के दो डीएनए बन जाएंगे लाइक दिस ये भी बन गया यहाँ और ये यह बन गया यहाँ पर ठीक है तो हम एक डीएनए से शुरू हुए थे दो मैंने डीएनए बना लिए ऐसे दो के बनेंगे चार चार के बनेंगे आठ आठ के बनेंगे सोलह सोलह के बनेंगे बत्तीस यानी कि हम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं तो जितने मैं साइकिल चलाऊंगी अभी तो मैंने एक साइकिल चलाया एक साइकिल चलाया तो एक से दो हो गए दूसरा साइकिल चलाऊंगी दो से चार तीसरा चलाऊंगी से सोलह चौथा चलाऊंगी सोलह से बत्तीस चलाती जाऊंगी उतनी कॉपीज़ बढ़ती जाएंगी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इंक्रीज बेटा जी हो जाएगा यानी कि पर नंबर होता है n दिख n जी? आपके में दिया जब उसने तीस साइकिल लगाए तो टू रेस्ट पावर थर्टी हो गया एन इक्वल टू तीस बारी चलाया टू रिस्ट अबाउट थर्टी मिलियन में आंसर आ गया तो आपको ऐसा भी आ है। ये जो है, ये है। जितने साइकिल चलाओगे उतनी आपकी बनती जी? Yes, मेरे बच्चों तो दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर अब पीसीआर एक मशीन है इस मशीन में बेटा ऐसे नहीं होता पहले डीनेचुरेशन करा रहे हैं फिर देख रहे हैं उसको अच्छा हुई फिर अनिलिंग करा रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं

लाइगेशन विद द वेक्टर विष्णु का डीएनए रेडी है एम्प्लीफाई होके लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा आप सब मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ना जो नहीं जुड़े हुए जहां पर मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ वहां पर जुड़ जाना सीप बायोलॉजी ऑफिशियल टेलीग्राम पे डालेंगे मेरा नाम आगे ऑफिशियल टू लैख सिक्सटी थाउजेंड सुपर उस बच्चे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ एक भी मिस ना हो नोटिफिकेशन मिस ना हो चलिए कैसे लाइगेट करेंगे कैसे जोड़ेंगे बताओ कैसे जोड़ेंगे ये मेरा वेक्टर है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कैसे जोड़ा विद द हेल्प ऑफ लाइगेस कैसे जोड़ा लाइगेस अब लाइगेशन करने के बाद अगला स्टेप क्या है अगला स्टेप क्या है लाइगेशन कर दिया अब उसको होस्ट में डालो चलो बेटा मेरे साथ होस्ट में डालो यस स्टेप नंबर 6th इज एंट्री इनटू द होस्ट एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना ना ऊपर वाला वेक्टर क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल लो या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोल लो तो इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अपने को डालना है होस्ट बताओ किस प्रोसेस से डालेंगे वेक्टर टू होस्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म ठीक है क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए मेरे को मैंने कल सिखाया था होस्ट को क्या होना चाहिए कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा होस्ट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ ताकि वो डीएनए को ले ले अगर वो डीएनए को ले लेगा तभी बेटा जी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी तो वन बाय वन शुरू करते हैं कि कैसे होगी ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग टाइप अलग अलग टाइप के होस्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा होस्ट क्या है बैक्टीरिया मेरा होस्ट बेटा जी क्या है बैक्टीरिया तो नंबर वन माय होस्टेस बैक्टीरिया तो कैसे होगी ट्रांसफॉर्मेशन बेटा जी हम इसको देंगे हीट शॉक्स क्या देंगे हीट शॉक गोलमाल मूवी मैंने हमेशा मैं गोलमाल का एग्जाम्पल देती हूँ उसमें पता नहीं गोलमाल थ्री है कि टू है अजय देवगन किसी को मतलब बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नो किसी को गर्म तवे पे रखने लगता है ना, तो मुझे हीट शॉक से वही याद आता है हीट शॉक में क्या है कि आप सेल को रखोगे पहले डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर रख दोगे आइस पे फिर रखोगे फोर्टी टू फिर रख दोगे आइस पे फिर 42, फिर आइस तो इससे क्या होगा कि सेल की मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी जो बैक्टीरिया है और वो अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेगा ठीक है दिस इज हाउ इट कैन टेक दैट इज हीट शॉक और बेटा जी हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे बाय द ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट आयंस से अपन लोग कॉम्पिटेंट बनाते हैं जैसे कि कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट दिया कॉम्पिटेंट बन गया और फिर उसको heat shock दे के, heat shock दे के बेटा जी के के अंदर घुसा दिया Number two, अगर मेरा है बताओ बताओ लिए इंजेक्शन दैट इज माइक्रो इंजेक्शन मैं बता चुकी हूँ आज ही आपको पहले अगर मेरा सेल क्या है प्लांट सेल तो प्लांट सेल में वेक्टरलेस मेथड क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है बंदूक कौन सी बंदूक गन कौन सी बंदूक है बेटा जीन गन ये देखो ये मैंने बना दी गन ठीक है जी इस जीन गन पे जीन गन में मैंने डाला गोल्ड या टंक्सटन सोनने की बात हो रही बेटा गोल्ड टंक्स्टन को तुम रैप कर दोगे विद द डी एन ए मॉलिक्यूल और इसको हाई विलोसिटी पे बम्बार्ड कर दोगे तो ये प्लांट सेल के अंदर घुस जाएगा ठीक है जीन गन

लेकिन बेटा ये तो मेरा एक ही सेल है ये तो क्या है एक ही सेल है है ना मेरे बच्चों ये तो क्या है एक ही सेल है मुझे इससे बहुत सारे सेल्स बनाने हैं यानी कि इसकी कॉपीज बनानी है एक तो तरीका है कि लैब में जाओ और ऐसे फ्लास्क में डाल दो न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दो एक सेल के हजार दो हजार सेल बन जाए लाख बन जाएंगे बस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे स्मॉल स्केल स्मॉल स्केल पर तो मैं इसको ऐसे फ्लास्क में डालकर न्यूट्रिय मीडिया डालकर कर सकती हूँ लेकिन काम मुझे करना है लार्ज स्केल पर लार्ज स्केल पर आपने देखा है ना बेटा जब पीसीआर लगता है या जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो इतनी सी थोड़ा बनाते हैं कोई एंटीबायोटिक बनानी है कोई वैक्सीन बनानी है बायोटेक को यूज करके थोड़ी सी थोड़ा बनाते हैं हम तो लार्ज स्केल पर पूरे इंडिया के लिए बना रहे हैं पूरे विश्व के लिए बना रहे हैं तो बड़े बड़े टैंकर्स चाहिए टैंक्स चाहिए उनको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स लार्ज स्केल पर काम किसमें होता है फर्मेंटर या फिर बायो रिएक्टर, ठीक है इट्स अ बिग टैंक और वेसल बेटा जिसकी कैपेसिटी होती है सौ से हजार लीटर थाउजेंड हंड्रेड टू थाउजेंड लीटर्स देख रहा हूँ बेटा बायो रिएक्टर. तो मैं आपको दिखाती हूँ बायो रिएक्टर का क्या है और क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक और चीज यहाँ से हाईलाइट कराती हूँ यस yes. तो मैंने डाल दिया पीसीआर हो गया पीसीआर के बाद बेटा सिलेक्शन भी कर ली थी ठीक है ओके ये जरूर पढ़ना बेटा इस पर भी सवाल आ चुके हैं मैं समझा चुकी हूँ कि अगर एम्पिसलिन मीडियम में डालोगे और एम्पिसलिन वाले जीन पे इंसर्शन एन एक्टिवेशन है तो वो ग्रो नहीं करेगा ठीक है वो ग्रो नहीं करेगा डू रीड दिस पैराग्राफ हाँ जी अब आपको फॉरन जीन प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है सबसे पहले इधर ध्यान देना सबसे पहले इधर ध्यान देना बहुत बढ़िया बात है मान लो ह्यूमन का जीन मैं बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कर रही हूँ हेट्रोलोगस होस्ट हैोलोगस है ना मैं ह्यूमन हूँ मेरा कोई जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया मैंने मेरा इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डाल दिया दैट इज्रोलोगस होस्ट तो उसके द्वारा जो प्रोटीन बनेगा, that is recombinant protein. तो ये जरूर याद करना है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसको बोलेंगे जी चलिए अब कल्चर लगाते हैं कल्चर क्या लगाना है हमें बड़े बड़े टैंक्स में लगाना है ठीक है ये मैंने आपको दो तरीके का बायरिएटर एनसीआर बनाकर दे रही है तो एक बाय रिएक्टर होता क्या है बायो रिएक्टर बेटा जी एक ऐसा रिएक्टर है जहां पर हम लार्ज वॉल्यूम में कल्चर लगाते हैं सौ 100 से हजार लीटर ये ऐसा वेसल है जहां पर बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है जी बायो रिएक्टर एक ऐसी जगह है जहां पर ऑप्टिमल कंडीशन दी जाती है फॉर अचीविंग ऑप्टिमम ग्रोथ यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है पीएच कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल आपका फोम कंट्रोल सिस्टम है इसमें ठीक है और ऑक्सीजन भी देने की इसमें सुविधा रहती है ठीक है ऑक्सीजन देने की भी क्या रहती है सुविधा रहती है तो जो भी मेरा बाय रिएक्टर है ना मान लीजिए ये मेरा बड़ा सा बायो रिएक्टर है दिस वन इस, इस रिएक्टर में मेरे पास ऐसी कंडीशन होगी जिससे मैं अंदर न्यूट्रिय डाल पाऊ न्यूट्रिय एडिशन कर पाऊं पोर्ट होगा न्यूट्रिय डालने के लिए ठीक है जी पी कंट्रोल कर पाऊं तभी तो काम का है मैं टेम्परेचर कंट्रोल कर पाऊं टेम्परेचर कंट्रोल के साथ साथ कूलिंग एजेंट डाल पाऊं ज्यादा हीट हो जाए तो ज्यादा फोम बन जाए तो कोम ब्रेकर डाल पाऊँम ब्रेकर झाग भी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना बेटा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगा ऑक्सीजन ट्रांसफर कराने का कोई तरीका डाल पाऊं ठीक है जी मिक्सिंग कर पाऊँ एरिएशन कर पाऊँ ये सारी चीजें मुझे बाय रिएक्टर में मिल जाती है बहुत सारे तरीके के बाय रिएक्टर होते हैं बहुत सारे तरीके के बाय रिएक्टर है एक टाइप ऑफ बाय रिएक्टर है कि मान लीजिए मेरा बाय रिएक्टर है दिस वन इसमें तुमने सारा मटेरियल डाल दिया सेल डाल दिया ऑक्सीजन डाल दिया न्यूट्रिएंट्स डाल दिए सब कुछ डाल दिया और डब्बे को बंद कर दिया और फिर दो तो घंटे बाद आके देखा कि क्या बना मतलब इट्स अ क्लोज्ड वेसल जिसमें एक ही बारी तुम सारा माल डाल सकते हो बारी बारी नहीं डाल सकते एक बारी बंद हो गया तो बंद कुकर बंद तो बंद ठीक है इस टाइप की फर्मेंटेशन को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम है, है। यह आपने शायद फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम हम ऊपर से नहीं डाल सकते क्लोज सिस्टम है दिस इज कॉल्ड एज बैच फर्मेंटेशन क्या है ये बैच फर्मेंटेशन दूसरा है कॉन्टीन्यूअस कल्चर कॉन्टीन्यूस कल्चर क्या है भाई मेरे पास डब्बा है लेकिन डब्बे में मैंने बारी 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 बारी, बारी न्यू रॉ मटेरियल डालने की जगह रखी हुई है यहाँ से मैं न्यू रॉ मटेरियल डालती जाऊंगी प्रोसेस चल रहा है न्यूट्रिएंट डाल रही हूँ और बेटा जी प्रोडक्ट यहाँ से लेती जा रही हूँ आप रॉ मटेरियल डालते रहो डालते रहो प्रोडक्ट आता जाएगा आता जाएगा आता इट्स लाइक अ चक्की पीसिंग चक्की तो चल रही है चल रही है नया कनक डालते जाओ आटा आता जाएगा ठीक है जी तो ये ज्यादा अच्छा सिस्टम है दिस सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम ये क्या है ओपन सिस्टम है ओपन सिस्टम क्या होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर कॉन्टिन्यूस कल्चर बढ़िया क्यों है कॉन्टिन्यूस कल्चर बढ़िया इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हर समय आपका लॉग फेस चलता रहेगा ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने ये देखो ये देखिए बेटा सेल्स कैन बी मल्टीप्लाइड ध्यान देना एनसीईआरटी की लाइन है

क्योंकि मैक्सिमम समय यहाँ पर सेल्स लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज में रहेंगे ये चीज याद रहेगी क्योंकि एनसीईआरटी रिलेटेड है हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं तो ये मेरे दो तरीके के बेटा बायो रिएक्टर है इधर देखो पहला है स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर इसका जो बेस है ये कर्व्ड है इस स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर मोटर लगी हुई है एसिड बेस बैलेंस यानी कि पीएच कंट्रोल सिस्टम है स्टरलाइज करने के लिए स्टीम आ, स्टीम देने का ऑप्शन है फोम को ब्रेक करने का है और ऐसे बीच में ब्लेड्स लगे हुए हैं ये ब्लेड जैसे घूमेंगे घूमने से क्या होगा न्यूट्रिएंट हर कोने कोने तक पहुंचेगा ऑक्सीजन हर कोने कोने तक पहुंचेगा तो हर सेल को न्यूट्रिएंट मिलना हर सेल को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है ठीक है लेयर का यहाँ तो देखो स्टर टैंक बाय रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऊपर देखो कर्व्ड बेस है जिससे मिक्सिंग होगी स्टरर से क्या होगा ऑक्सीजन हर जगह पर पहुंचेगा ठीक है जी हर जगह पर पहुंचेगा अब दूसरा बायो रिएक्टर देखिए इसका नाम है स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर स्पार्ज स्पार्जिंग बबल्स स्टरिंग इसमें भी हो रही है ये देखो ये भी ऐसे गोल गोल घूमेगा पहली चीज इसका बेस कर्व नहीं है ये फ्लैट बेस है दूसरी चीज यहाँ पर ऑक्सीजन की मिक्सिंग के लिए मैंने बुलबुले उठा दिए इससे क्या होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर देर आर बबल्स देर आर ऑक्सीजन ट्रांसफर और बढ़िया एरिया बढ़ेगा ऑक्सीजन और सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे आपने वायरक्टर में एजिटेटर सिस्टम है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है फोर्म कंट्रोलर है टेम्परेचर कंट्रोलर है पीएच कंट्रोलर है एंड सैंपलिंग पोर्ट है जहां से हम लोग सैम्पल और कल्चर को विड्रॉ भी कर सकते

आखिरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है बेटा आखिरी प्रोसेस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन होती है सबसे पहले क्या करते हैं सेपरेशन कि इतने बड़े बाय रिएक्टर में मुझे मेरा प्रोटीन चाहिए सिर्फ दवाई निकालनी है सेपरेट कर लिया सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं प्यूरिफिकेशन क्या करते हैं सेपरेशन फॉलोड है बाय प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन कैसे करोगे बहुत सारी केमिस्ट्री की तकनीक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन क्रोमैटोग्राफी केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना क्रोमैटोग्राफी क्रोमैटोग्राफी ड्राई करके ड्राइंग एजेंट्स यूज करके तो आप इस तरीके से प्यूरिफिकेशन कर लेंगे जब आपने सेपरेट कर लिया अपना प्रोडक्ट उसे प्योरीफाई कर लिया अब बेटा जी उसको मार्केट में उतारने के लिए सक्षम साबित करो कैसे करोगे मार्केट में उतारने के लिए सबसे पहले आपको उसके क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते हैं कोई भी दवाई आती है सीधा ह्यूमन को नहीं दी जाती है पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं एनिमल मॉडल्स पे फिर ह्यूमन पे भी, भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं मल्टीपल राउंड्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के जब वो सेफ कंसीडर होती है कि क्लिनिकल ट्रायल में पास हो गई है सेफ है तब जाके हम बोलते हैं भाई अब इसे तुम दुकान पे रख दो केमिस्टर सर की दुकान पे रख दीजिए मार्केटिंग हो जाएगी विच इज लास्ट प्रोसेस तो हमने ये सारे ये जो आखिरी तो के क्या इनको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोल सकते हैं बोल सकते हैं ना कोई दिक्कत तो नहीं है अगर तुम्हें क्वेश्चन में आ जाए अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है तो स्टेप नंबर है जो डाउन से ऊपर है वो अप है बाकी नीचे वाला डाउन है बहुत बढ़िया कह रहे मिशो पर डाल दो प्री ऑर्डर के लिए बेटा आपका क्या होगा जिंदगी मुझे नहीं पता <coughs> तो स्टेप नंबर वन से लेकर सेवन यानी कि डाउन से ऊपर वाले जो स्टेप हैं वो अपस्ट्रीम है और नीचे वाले डाउनस्ट्रीम है बोल सकते हैं ना चलिए तो अब हुए हैं कितने छह बज के फोर्टी फाइव मिनट सात यानी कि आधे घंटे के, के बाद इसी चैप्टर का टेस्ट लिंक इज पिंड ओवर हेयर सबको ये टेस्ट लगाना है और आना है स्पेशल क्लास में इट्स अ फ्री क्लास अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है यानी कि ऐप पर होती है ऐप पे आप आके देखिए बहुत अमेजिंग तरीके से होती है पोल है उसमें साथ में लीडर बोर्ड आता है आप मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं रेज हैंड भी कर सकते हैं ऑडियो नोट पे बात हो सकती है तो बहुत सारे फीचर्स हैं प्रैक्टिस तो कोई मिस कर ही नहीं सकता वो आपको आना ही आना ठीक है थीके? आधे घंटे का गैप है दूध पी लो ब्रेड खा लो जो ब्रेड तो वैसे नहीं खानी चाहिए दूध पीजिए, बादाम खाइए, ये सब करिए हेल्दी हो जाइए, और आधे घंटे बाद मुझे दूसरी चीज बेटा कल जैसा कि मैंने बोला ऑफर आएगा इस पे थर्टी परसेंट ऑफ का ये जो बच्चे लेना चाहते हैं अभ्यास मॉक टेस्ट डेफिनेटली जरूर ले लें वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके लिए ओएमआर सॉल्विंग आपकी हो जाएगी इससे बढ़िया तरीके से एंड कर लीजिएगा बाकी दैट्स इट एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि आपको बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर समझ आएगा नहीं बस यही है दूसरा चैप्टर तो बहुत आसान है एप्लीकेशन इज वेरी इजी कल हम कर लेंगे वन शॉट में करेंगे एप्लीकेशन और संडे को आपकी इसकी टेस्ट सीरीज है अच्छा यार पीलू का क्या हुआ पीलू बेटा डल गया ये प्रोटीन डल गया ना आप पीलू में डाल देंगे अब इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके पहली दवाई जो जाएगी ना पीलू को जाएगी और पिलू इंटेलिजेंट हो जाएगा विष्णु की तरह यही है ठीक मेरे बच्चों तो सब बच्चे कॉमेंट जरूर करें कमेंट जरूर करके जाना जैसे सेशन ऑफ ऑफ होगा एंड एंड आई विल सी यू नाउ इन माय स्पेशल क्लास टुमारो एप्लीकेशंस बायोटेक में दूसरा बेटा मैंने आपको जैसे कि बताया रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स जो चल रहा है ऑनलाइन इससे बेस्ट मुझे लगता है कोई क्रैश कोर्स नहीं है जिसमें आपको लाइव टेस्ट लाइव क्लासेस डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी मिल रहे हैं एंड साथ में आपको सारा मटेरियल मिल रहा है तो फोर्थ ट्रिपल नाइन में हो चुका है दोबारा लेकिन ये सिर्फ एक दो दिनों के लिए रिपब्लिक डे पर है तो जो बच्चे लेना चाहते हैं सीप लाइफ कोड लगाकर मेरी मेंटोरशिप में भी आ जाएंगे एंड आप लोग इस क्रैश कोर्स में भी हिस्सा ले लेंगे जिसमें वन ऑफ द बेस्ट टीम जिसने सच में रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं वो आपको पढ़ा रही होगी दूसरा बेटा और भी सब्सक्रिप्शन जैसे कि अगर आप इलेवंथ में है या आपको लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन लेना है और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए ट्वेंटी सिक्स के लिए तो अभी अप टू फोर्टी परसेंट ऑफ है कोड क्या लगाना है वहाँ रेफरल कोड लगाने का जगह होता है वहां पर सी प्लाई भी लगाइएगा ताकि आप लोग गाइडेंस में भी आ पाए और आपको ऑफर भी लग जाए और अगर बेटा जी दो हजार पच्चीस और छब्बीस की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिए ट्वेंटी सेवन्थ एंड ट्वेंटी एट जनवरी को सुबह ग्यारह एंड पांच बजे होने वाला है नाम है अनसेट इट्स अ फ्री टेस्ट और मुझे लगता है आपको भी देना चाहिए आपको इसलिए देना चाहिए ताकि आपके पास मौका है लैपटॉप स्मार्ट वॉचेस स्पीकर ये सब लेने का और सच में ये सब चीजें मिलती हैं और सबसे बड़ी चीज़ आप एनालाइज करेंगे अपनी पोजीशन जब इस टेस्ट को लाखों लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देंगे देन यू विल बी एबल टू सी कि वेयर डू यू स्टैंड अपना पता तो होना चाहिए कि मैं इतने लाखों बच्चों में कहाँ स्टैंड करता हूँ अब डरने वाली बात नहीं कि मुझे डीमोटिवेशन होता है बेटा आज डीमोटिवेशन हो भी जाएगा तो यू हैव टाइम टू इम्प्रूव योर सीधा डीमोटिवेशन फिफ्थ ऑफ मे को लोगे तो कहाँ इंप्रूव करोगे ठीक है जी तो ये टेस्ट भी सबको देना है अनसेट इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी ठीक है वहां से जाकर दे दीजिएगा जनवरी ट्वेंटी सेवेंथ ओके एंड ट्वेंटी एट्थ को होने वाला है ठीक है मेरे बच्चों चलो सेशन को कर देना लाइक एंड कॉमेंट जरूर करके जाइएगा बाय बाय मिलते हैं स्पेशल क्लास में थैंक यू